बेस लगाने से पहले कलर करेक्शन करनी चाहिए या बेस लगाने के बाद वाइट कंसीलर एक्स्ट्रा फेयर कंसीलर लगाना चाहिए? पीच कलर का करेक्टर लगाना चाहिए कि ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाना चाहिए? और व्हेन अप्लाई फाउंडेशन ऑन टॉप ऑफ दिस कलर करेक्शन, ऑरेंज कलर वाली साइड जो है वो डार्क लग रही है, जो पीच कलर वाली साइड है वो फ्रेश लग रही है, तो इसकी क्या वजह है? हमने कौन सा कंसीलर का शेड चूज़ करना है? डार्क चूज़ करना है कि हमने लाइट कलर करेक्शन करनी, कैसे कलर करेक्शन करनी है? हमारी बेस ग्रे क्यों हो जाती है? बहुत सारे आपके इस तरह के क्वेश्चंस मुझे मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस पे आ रहे थे। आज मैं आपके साथ अफोर्डेबल कलर करेक्शन के प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगी। आपको दो ऐसे परफेक्ट शेड बताऊंगी डिफरेंट ब्रांड्स के, जिसको आप अप्लाई करने के बाद अपनी बेस के हर तरह के फ्लॉज को छुपा सकती हैं, आपकी बेस ग्रे नहीं सबसे होगी। पहला स्टेप ये है कि आप सेल्फ एग्जामिन करें कि आपके फेस पे कहाँ कहाँ पर जो है वो फ्लॉज हैं, लाइक आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, टू टोन स्किन है, क्या है। इन सब प्रॉब्लम्स को जानते हुए सबसे पहला स्टेप है कि आपने, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने सबसे पहले फाउंडेशन लगाने से पहले कलर करेक्शन करनी है, ताकि आपकी एक स्मूथ बेस बन जाए और आपकी स्किन इवन हो सके। अब कलर करेक्शन के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो मैं आपके साथ सारे यहाँ पे शेड शेयर करूँगी। नंबर दो, जब आप कलर करेक्शन कर देते हैं तो फिर आपकी बेस नीचे से, जो आप कहते हैं ना आपकी कि हमारी ग्रे हो रही है, वो इसलिए होती है कि आप कलर करेक्शन करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज नहीं करते। तो यहाँ पे आपको मैं न्यूट्रलाइजर जो है ना वो बना के दिखाती हूँ। मैंने आज ली है अफोर्डेबल ब्रांड की स्टीन की, और इसका मैं शेड ले रही हूँ 38, CN38 शेड है ये, बिल्कुल क्राइलॉन के 36 शेड जैसा है। आपकी के पिगमेंटेशन को, पोर्स को, डार्क स्पॉट्स को, सबको हाइड कर देगा। अब इसको लगाने के बाद आपको इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब आप इसके ऊपर डायरेक्ट अपना व्हाइट शेड लगाएंगी तो आपकी जो बेस है वो ग्रे हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नेक्स्ट शेड लेंगे जो कि हमारा सेकंड शेड होगा। ठीक है, ये है मेरे पास आइवरी शेड। ठीक है, बस हमें ये दो शेड ही चाहिए। अगर हमारे पास 38 शेड है क्रिस्टीन का और क्रिस्टीन का आइवरी शेड है, तो इन दो शेड के जरिए ही हम अपनी फाउंडेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी फाउंडेशन का शेड भी बना सकते हैं, अपनी कलर करेक्शन भी कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने उस CN38 के अंदर आइवरी शेड को मिक्स किया और ये हमारा दरमियान का एक खूबसूरत सा शेड बन गया। मैं आपको ये रियल स्वैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए आइवरी का ओरिजिनल शेड ये है, और वो जो दरमियान का शेड बना है ये क्या है, ये हमारा न्यूट्रलाइजर है। ठीक है, तो इसके साथ अब हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसके ऊपर अपना आइवरी शेड, क्योंकि देखिए 38 और आइवरी में काफ़ी फ़र्क है, तो जब हम अपना न्यूट्रलाइज कर लेते हैं उसके बाद जब हम आइवरी शेड लगाते हैं तो हमारी बेस कभी भी ग्रे नहीं होती। यही वो वजह थी जो कि वीडियो के शुरू में आपने देखा कि वो पीच करेक्टर लगाया उन्होंने और वो ऑरेंज लगाया तो उसमें फ़र्क आ रहा था। तो हमने ऑरेंज लगाना ही नहीं है, हमने एक ऐसा शेड लगाना है जो आपकी हर स्किन टाइप के ऊपर चल जाता है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पर यह है कि आप चाहें तो फाउंडेशन ले सकती हैं 38 शेड के बाद, चाहें तो आप स्टिक ले सकती हैं। मैं यहाँ पे आपको इसके बाद फाउंडेशन ही अप्लाई करके दिखाने लगी हूँ। न्यूट्रलाइजर तो आपने वैसे बनाया है, तो आप फाउंडेशन के साथ भी न्यूट्रलाइज बना सकती हैं। ठीक है, यानी कि 38 के अंदर आप अपनी ये फाउंडेशन को मिक्स करेंगी तो आपका न्यूट्रलाइजर बन जाएगा, देन फिर आप अपने ऊपर से फाउंडेशन लगा लें। ये भी एक मेथड है, ये मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया। ठीक है, आजकल क्योंकि ज़्यादातर चल रहा है स्टिक के साथ फाउंडेशन को लगाना बता रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस में देखेगा होगा आपने, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया था, तो मैंने आज थोड़ा सा आपको फाउंडेशन लगाने का तरीका बता दिया कि इसके ऊपर भी आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपने तीन शेड लेने हैं, आप अब अगर घर पर अपनी बेस बना रहे हैं तो आप एक स्टिक ले लें और एक फाउंडेशन का शेड ले लें, बस ये दो शेड आपके लिए काफ़ी हैं। और अगर आप फाउंडेशन नहीं लगाना चाहती तो फिर आप दोनों स्टिक के शेड ले लें, लेकिन शेड आपके यही होनी चाहिए 38 और आइवरी। अभी जो यहाँ पे मिस रोज का शेड है वो फेयर शेड है। ठीक है, तो ये देखें कि वो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन कितनी कमाल की जो बेस है वो बन गई है। तो ये तरीका आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी सारी पिगमेंटेशन भी हाइड हो जाएगी, न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा, कलर ग्रे भी नहीं होगा फाउंडेशन का, और फाउंडेशन आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। यही दो जो शेड्स हैं वो आप क्राइलॉन में भी ले सकते हैं, यही दो
शेड्स आप क्रिस्टीन में भी ले सकते हैं। और अभी मैं आपके साथ एक कमाल का ऑप्शन जो है वो शेयर करने लगी जो इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जो कि एज अ पैनकेक भी यूज़ होता है, एज अ फाउंडेशन भी यूज़ होता है, जो कि एज अ कलर क्रैक भी यूज़ होता है। ये क्राइलॉन के शेड में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्राइलॉन में जो है 36 और आइवरी का कॉम्बिनेशन था, क्रिस्टीन में 38 और आईवी का कॉम्बिनेशन है। और अब जनाब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा कमाल का है। अगर आप क्राइलॉन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्रिस्टीन नहीं लेना चाहते, तो आप ले लें मैक का ये पैनकेक। ये एज आ पैनकेक भी यूज़ हो सकता है, एज आ फाउंडेशन भी यूज़ हो सकता है, एज आ कलर करेक्ट भी यूज़ हो सकता है। इसका शेड देख लें, इसका शेड बिल्कुल जो है वो क्रिस्टीन के 36 शेड और क्राइलॉन के 36 शेड जैसा ही है। इसको अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करेंगे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको वेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको आपको वाटर एक्टिवेट करके इसका जो शेड है वो स्ट्रेच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको वाटर के साथ एक्टिवेट किया है और अब मैं इसको आपको शेड दिखाती हूँ। ये शेड बिल्कुल FS36 और क्रिस्टीन के शेड जैसा ही है। इसका जो सेकंड शेड है जो आपके पास होना चाहिए फॉर फ्लॉलेस बेस एप्लीकेशन वो है ये आइवरी शेड। पहला शेड जो था उसका भी नंबर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको भी मैं वाटर के साथ एक्टिवेट कर रही हूँ और इसका मैं आपके साथ स्वैच जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखें, ये है आइवरी कलर, ठीक है। और जो मैंने आपके साथ पहले शेड शेड किया है वो है FS38, ठीक है। इसका 38 शेड है, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिएगा, ये साइड बाय साइड दोनों के स्वैच हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इनको न्यूट्रलाइज करके बताती हूँ। जब हम इन दोनों शेड्स को मिक्स कर देंगे तो ये हमारा न्यूट्रलाइजर बन जाएगा। मैं यही बात आपको पहले भी बताना चाह रही हूँ थी, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी क्रिस्टीन की वाली जो बेस है उसमें बताई है। ये देखिए मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो ये हमारा बन गया है न्यूट्रलाइजर, ठीक है। अब चाहे इसके अंदर आप थोड़ा सा करके और ऐड कर लें, ठीक है। ये आपका न्यूट्रलाइजर बन गया। अब आप इसको जो है ब्लेंड कर लें अच्छे से। पहले आपने नीचे कलर करेक्शन कर ली, फिर आपने दो शेड्स को मिक्स करके अपना न्यूट्रलाइजर बना लिया। अब आपने जो है अपनी बेस जो है आइवरी कलर जो कि आपका फेयर शेड का कलर है उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इस तरह दो कलर के साथ आपकी तीन काम हो जाएंगे, यानी कि आपका कलर करेक्शन भी हो जाएगी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगी, आपका कलर न्यूट्रल भी हो जाएगा और आप अपना जो परफेक्ट शेड है वो भी हासिल कर सकेंगी उसी शेड के, उन्हीं दो शेड्स के ज़रिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद और आपको अप्लाई करके मैं ये सारा स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो बनाना बताया है, कलर करेक्टर के साथ न्यूट्रलाइजर। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। और अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके क्वेश्चंस के आंसर देख के और आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके। थैंक यू।